सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, सबको स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हम वन डिटेल रिव्यू करने वाले हैं रियलमी वन का। इसने आते ही पूरी बजट सेगमेंट को हिला के रख दिया है। अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये डिवाइस लॉन्च किया गया है 3 वेरिएंट में, 3 प्राइसिंग में, और तीनों प्राइसिंग को इसने कैप्चर कर लिया है। सबसे पहले आता है हमारे पास 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी वाला, जो कि आपको 9,000 रुपए में अवेलेबल है। दूसरा है हमारा 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाला, जो कि आपको 11,000 रुपए में अवेलेबल है। और तीसरा आता है हमारा 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला, जो कि आपको 14,000 रुपए में अवेलेबल है। जो हमारा 9,000 और 11,000 बजट वाला है, उन दोनों के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर मिलता है उस रेंज के हिसाब से। और जो हमारा 14,000 रुपए वाला वेरिएंट है, अगर उसको कोई टक्कर देना भी चाहता तो उसके अंदर भी हमें एक बढ़िया चीज मिलती है कि उसके अंदर हमें 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, जिससे वो इकलौता सबसे सस्ता डिवाइस बन जाता है 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला। तो देखा जाए तो 9,000, 11,000 और 14,000 तीनों सेगमेंट्स को इसने पूरी तरह कैप्चर कर लिया है। और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे पास इसके 3 कलर अवेलेबल हैं। एक है हमारा रेड कलर, एक है सिल्वर और तीसरा है हमारा डायमंड ब्लैक कलर। जो इसका सिल्वर शेड है वो आपको सिर्फ 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाले में ही अवेलेबल है। सिल्वर कलर देखने में बहुत ही बढ़िया नजर आता है। अगर आपको एक शाइनी ग्लॉसी सा डिवाइस चाहिए जो बहुत ही स्टाइलिश लगे, तो आपको ये कलर काफी पसंद आएगा। और वैसे इसका दूसरा कलर जो है डायमंड ब्लैक कलर, वो बहुत ही यूनिक लगता है देखने में, काफी स्टाइलिश लगता है। अगर आपने उसको हाथ में होल्ड कर रखा है तो दूर से पता चलेगा कि आपने काफी स्टाइलिश डिवाइस पकड़ा हुआ है। वैसे अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो 156.6 इसकी हाइट है, 75.2 इसकी विड्थ और 7.8mm थिकनेस। और ये डिवाइस सिर्फ 155 ग्राम्स का है। इसके अंदर आपको फाइबर ग्लास बॉडी मिलती है और डिवाइस काफी लाइट वेट है, हैंडी है, यूज करना बहुत ही आसान है इसे। लेकिन इसके डिजाइन के अंदर छोटी सी कमी ये है कि इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी चीज होती है। फेस अनलॉक से काफी सिक्योर्ड होता है, और जो इसका फेस अनलॉक है वो भी 100% सिक्योर्ड नहीं है, उसके अंदर थोड़े इशू आ रहे हैं। हालांकि अभी हमें एक सिक्योरिटी पैच भी मिला था, उसके बाद आंखें बंद करने में वो डिवाइस आपका अनलॉक नहीं होगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इतना सिक्योर्ड नहीं है। वैसे हर डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तो इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि आपको फेस अनलॉक के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, साथ ही नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती। लेकिन कंपनी ने बॉक्स के अंदर ही आपको बैक केस दिया और साथ ही प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी लगा के दिया है। आपको डिवाइस को बॉक्स से निकालते ही सीधा यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, जिसके अंदर आपके डुअल वोल्ट आराम से लग जाएगा। और साथ ही आप इसकी मेमोरी को 256GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं एक डेडिकेटेड स्लॉट के थ्रू। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो वो है इसका मेन हाईलाइट। इसके अंदर में मिलता है हीलियस P60 का प्रोसेसर, जो कि AI बेस्ड प्रोसेसर है 12nm टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर आपको 9,000 और 11,000 रुपए के दोनों बजट्स के अंदर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है ओप्पो की तरफ से। इसके बेंचमार्क स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो है इसका लगभग 1,40,000, जो कि बहुत ही बढ़िया स्कोर है, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी रैम, रोम, इंटरनेट सर्फिंग स्पीड सब बहुत ही बढ़िया है। हालांकि इसके 3GB रैम वाले वेरिएंट के अंदर हमें थोड़ी सी रैम मैनेजमेंट का इशू आया हुआ था, लेकिन अभी एक अपडेट के बाद वो इशू भी ठीक हो गया है। तो डिवाइस की वर्किंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फास्ट है, आप सारे काम इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। और साथ ही आप देख ही सकते हैं कि आप इसके अंदर सारी गेम्स खेल सकते हैं, गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिवाइस आपका एकदम कंट्रोल में रहेगा। हमने इसके अंदर 2.2GB की गेम खेली है एसफॉल्ट 8, जो कि हैवी गेम होती है। नॉर्मली 90% गेम्स हमारे 1GB के अंदर ही होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2GB तक की गेम को भी बहुत ही स्मूथली प्ले कर रहा है, बहुत ही आराम से प्ले कर रहा है, बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही। और ना ही इस डिवाइस के अंदर आपको हीटिंग प्रॉब्लम आएगी। मैंने इसके अंदर गेमिंग टेस्ट भी किया हुआ है, काफी सारे टेस्ट और भी किए हुए हैं, जिनको आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इसके अंदर हमें गेमिंग इशू बिल्कुल नहीं आता। और साथ ही अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं, क्योंकि गेमिंग के साथ तो बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसके अंदर हमें 3410mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपके नॉर्मल यूजेज में एक दिन आराम से निकाल देगी। हालांकि इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, इवन बॉक्स के अंदर भी हमें सिर्फ 10W का चार्जर मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि फास्ट चार्जर मिलना चाहिए था। लेकिन गेमिंग के साथ ही आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले डिवाइस का बहुत ही बढ़िया है।
इसके अंदर हमें 6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको 18:9 रेशो का फुल व्यू मिलता है। और अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको मिलती है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन, जो कि 14,000 रुपए के हिसाब से तो ठीक है लेकिन 9,000 रुपए के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 9,000 रुपए के हिसाब से आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन नहीं मिलती लेकिन इस डिवाइस में आपको मिलती है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले के कलर्स कितने बढ़िया नजर आ रहे हैं, आप वीडियोस को बहुत ही एंजॉय करेंगे इसके अंदर, साथ ही इसकी साउंड भी काफी अच्छी आ रही है। तो चाहे आप वीडियोस देखें, गेम्स खेलें, मूवी देखें, आप इस फोन को एंजॉय करेंगे। और साथ ही आप इस डिवाइस को सनलाइट में भी यूज कर सकते हैं, सनलाइट में भी इसकी ब्राइटनेस काफी बढ़िया आती है। अब अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो बैक में हमें सिंगल कैमरा मिलता है, डुअल कैमरा सेटअप नहीं मिलता। 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है बैक में जिसका f2.2 है, और 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है फ्रंट में उसका भी f2.2 है। इसके कैमरा में आपको सीन रिकॉग्निशन मिलता है, काफी सारे मोड्स मिलते हैं, और आप देख सकते हैं इसकी पिक्स काफी कलरफुल आई है, काफी ब्राइट है, फोकस बहुत अच्छा है इनका, एजेस एकदम शार्प नजर आ रहे हैं। आपको उसकी पिक्स को एडिट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा फोटो क्लिक करो और उसको अपलोड कर दो, एडिटिंग का कोई चक्कर ही नहीं। और इवन इसका जो फ्रंट कैमरा है उसकी पिक्स भी काफी अच्छी आई है। इसके अंदर हमें AR स्टिकर्स मिलते हैं, ब्यूटी मोड मिलता है, बुके मोड मिलता है, तो पिक्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है, और AR स्टिकर्स की वजह से आप इस फोन को और एंजॉय करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, काफी बैलेंस डिवाइस है, इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं और आप इस डिवाइस को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये डिवाइस आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन Amazon पे अवेलेबल है। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है इसके किसी भी वेरिएंट की, तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने तीनों की अनबॉक्सिंग करी हुई है। और अगर आपको इसकी टेस्टिंग देखनी है तो वो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूंगी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी अभी वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।